हाँ भाइयों और बहनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑल इन गेमर पर। मेरा नाम उत्कर्ष। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ GTA ऐसे ऑनलाइन फॉर नॉगट वर्जन। और दोस्तों ये GTA ऐसे लाइट और क्या बोलते हैं ओरिजिनल दोनों के लिए है। दोस्तों इसके लिए आपके पास GTA सेंडर्स होना चाहिए। अब आपके पास ओरिजिनल है कि लाइट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास होना चाहिए। और आपको लिंक मिलेगी मैं वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में, वो एंड्रो गेमर की तरफ से है। तो उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ऐसा मोड GTA ऐसे ऑनलाइन बनाने के लिए एंड्रॉयड के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसमें बहुत इजी है, आप लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बस यही था, और अब आप लोग आगे वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करने के बाद आप एंड्रो गेमर के इस पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं GTA सैन मल्टीप्लेयर सैन 6.9 एंड्रॉयड लाइट और नॉर्मल दोनों के लिए है। दोस्तों आपको यहाँ से नीचे जाना है और देखिए यहाँ पे आपको APK सैम मल्टीप्लेयर मानी ये पहला जो नॉर्मल APK वो ओरिजिनल OBV वाले फाइल के लिए है और दूसरा लाइट वर्जन के लिए। और नीचे आपको डाटा दिख रहा है सैम का, ये दोनों के लिए आपको बस कोई भी आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास GTA ऐसे नहीं है तो आप यहाँ से नीचे से OBV या लाइट दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों मैं आपसे डाउनलोडिंग के बाद मिलता हूँ। दोस्तों मोड पे डाउनलोड होने के बाद आपको एक ऐसा पेज, ऐसा आपको एक फाइल मिल जाएगा जिसमें आपको फाइल्स के नाम से एक ऐसा है। दोस्तों अब बताता हूँ पहले आपको OBV फाइल के लिए, आपको OBV फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा। तो OBV फाइल के लिए पहले आपको एंड्रॉइड पे जाना है, फिर OBV पे जाके आपका जो कॉम डॉट ड्रॉप का गेम से जो फाइल होगा उस पर वो क्लिक करना है और उस पर लॉन्ग प्रेस करके आपको इसे रीनेम करना है। किस नाम से मैं बता देता हूँ, अब इसे रीनेम कर लेंगे जो साइड में OBV है इसे आप जिप फोल्डर पे इसको रीनेम कर दें और इसे प्रेस करके इसे व्यू करें। और यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे TXDB के फाइल के यहाँ से आपको कॉपी नहीं आपको इसे कट करना है और इसे आपको पेस्ट करना होगा कहाँ पे डिवाइस में, मेमोरी में एंड्रॉइड पे कॉम डॉक्टर गेम और फाइल्स, और यहीं पे आपको इसे पेस्ट कर देना। अगर आपके पास ये कॉम डॉट ड्रॉक्टर गेम का फाइल नहीं है तो आप इसे बना भी सकते हैं खुद से। आपको ये वाला कॉम डॉट ड्रॉक्टर गेम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे फाइल को एक फोल्डर बनाना है और फिर आपको यही पे इसे लाकर पेस्ट कर देना है। और फिर आपको वहाँ से काम खत्म हो गया और फिर आप इसे यहाँ पे रीनेम कर लेते फिल से OBV के नाम से। अगर आपके पास लाइट वर्जन है तो आपको कुछ दिक्कत है नहीं, वो तो आपका एंड्रॉयड के फाइल में वो डाटा में TXDB रहेगा ही। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आपके वही डाउनलोड फोल्डर में जाना है और ये जो आपके पास ये कंट्रोल ड्रॉप्सर गेम से जो फाइल है इसे आपको TXDB कॉपी करना है और इसे आपको TXDB के फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देना है। तो इस ये आपसे अप्लाई टू ऑल फाइल्स मांगेगा, तो मैं एक बार फिर से कर ही देता हूँ। आप यहाँ से कट या कॉपी तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिवाइस में मिल जाना है एंड्रॉयड डेटा कॉम डॉट ड्रॉप्सर गेम फाइल्स और आपको यही पे पेस्ट कर देना। तो फिर मैंने से कर दिया तो ये अप्लाई टू ऑल फाइल्स मांग रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका एक काम खत्म हो गया। फिर आपको जाना अपने उसी डाउनलोड फोल्डर में और फिर आपको जो सैम का फोल्डर है इसे भी आपको यहाँ से कॉपी कट करना है। फिर आपको फिर से जाना है एंड्रॉयड डाटा और फिर कॉम डॉट ड्रॉप्सर गेम जो GTA से फाइल्स और आपको मुझे यहीं पर सेव कर देना है। बस दोस्तों आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। और आपको GTA से ऑनलाइन वाली जो अगर आपके पास OBV फाइल है तो आपको OBV वाला पक्का की वही गारंटी है कि आपको OBV फाइल वाला APK डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लाइट वर्जन है तो लाइट वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आपका इतना काम खत्म होने के बाद मैं आपको एक और बार बता दूँ, अगर आपके पास पहले से नॉर्मल GTA सैन एंड्रियास कोई भी है तो पहले आप अगर आपके पास OBV फाइल है तो आप OBV फाइल के अगर आपके पास OBV फाइल है तो आप इसके आगे ऐसे कुछ रीनेम कर दें। बाकी आपका कुछ जैसे कि आप रीनेम इसे करके सेव कर दें और फिर आप अपना वाला APK नॉर्मल APK हटा दें।
नहीं तो आपका जितना भी प्रोग्रेस होगा आपको वो सब कुछ हट जाएगा। और अगर आपके पास लाइट वगैरह है तो आपको वही डाटा में जाके उसको भी रिनेम कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब मैं चलता हूँ गेम पे, आपको वो लाइट या फिर वो जो भी है आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको यहाँ से उसे ओपन करना है। दोस्तों मेरा गेम अभी ओपन हो रहा है तो मैं कुछ स्किप नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे आप ये कोई फेक वीडियो है, तो फिर आपको यहाँ से ऑफलाइन प्रेस करना। नॉर्मल वैसे ही आपको यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन, आप यहाँ चाहे तो आप यहाँ से ऑफलाइन भी खेल सकते हैं, कुछ दिक्कत कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। फिर आपको यही पे स्टार्ट गेम के बगल में आपको एक मल्टीप्लेयर ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे सिंपली प्रेस करना और आपको ये गेम यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मेन का हम लोग को यही से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब आपको अपना एक आईडी बनाना पड़ेगा। अगर आपको पोर्टुगीज लैंग्वेज समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। आपको इंग्लिश से प्रेस करना है और देखिए योर निकलेम इज जनरेटेड, एंटर करें। दोस्तों मैं तो यहाँ पे लॉग इन हूँ, तो अगर आप नया नया गेम खोलेंगे तो आपको यहाँ पे अपना एक कोई भी निकलेम डालना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी, मेरा तो नाम है तो मैं तो अपना नाम डालूंगा, और अगर आपका मनी आप आदित्य डालते हैं और आप उसे जनरेट मुझे ओके दबते तो वो सर नाम हो सकता है कोई आदित्य नाम का आईडी किसी और का हो सकता है, तब उस नाम के आगे कोई नंबर जोड़ दे रहे तो कुछ वर्ड जोड़ दे तो हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि कोई आपका आईडी ले ना ले। और पासवर्ड इसमें डालना पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास ऑनलाइन में आप मिशन करोगे तो इसमें आपको पैसा तो मिलेगा ही, तो आपका अगर कोई नेम और पासवर्ड डाल देगा तो उसके पास आपका जितना मनी होगा वो सब कुछ उसको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना निकलेम डाल देता हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं ताकि कोई मैं चोरी ना कर ले, मेरे पास अभी बहुत पैसा नहीं हुआ है, 40,000 है यार इसी के लिए। तो दोस्तों अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ ताकि पैसा ना चोरी हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आप जैसे ही अपना नया आईडी बना लेंगे आपको एक अपना कैरेक्टर इसमें चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कैरेक्टर चूज किया हुआ है तो वैसे ही आपको भी अपना मतलब आपका ऑप्शन मिल जाएगा चूज करने का। फिर आपको मतलब यहाँ पे नीचे में यहाँ पे और एक यहाँ पे दो साइड एरो मिलेंगे कैरेक्टर चूजिंग के लिए, और बीच में कौन का ऑप्शन रहेगा। तो ये बस वन टाइम के लिए होता है, आप जैसे ही तो आप चूज करें और फोन कर लें। और दोस्तों अगर कभी कभी आपके साथ हुआ कि आपको यहाँ पे चलाने और लाने का नहीं दे रहा है, आपको सिंपली इस पर ऐसे प्रेस करना है, यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रेस करना है इस पर, आपको लिखना ये स्लैश मार के STATS लिख के आप यहाँ से ओके कर देना, तो आपका ये गेम यहाँ पे रन करने लगेगा। अब तो बात फिर से आप इसमें व्हीकल कैसे बुला सकते, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेकआउट कीजिए। उसमें आपको सभी व्हीकल्स की आईडी मतलब व्हीकल के आगे उसका नंबर रहेगा, तो सिंपली आपको यहाँ से स्लैश मार के VH लिखना और जो भी व्हीकल का आईडी होगा वो आपको यहाँ पर डालना, और कलर का भी इसमें कोड वर्ड होता है तो वो भी आपको उसी लिंक में मिल जाएगी। फिर आपको जैसे 79 ब्लू कलर है और 0 ब्लैक है, तो आपको सब कुछ स्पेस दे दे के लिखना है। और तो अगर आपको कोई मैप में जाना है तो देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में डर्बी हैशटैग 12 आया है ना, आपको यहाँ पे सिंपली ENTERMP लिखना और आप सिंपली गेम में देखिए या मेरा नाम भी आ चुका है, ऐसे आप सिंपली गेम में एंटर हो जाएंगे वो भी ऑटोमेटिकली। तो अभी 9x16 ही प्लेयर हुए हैं इसमें, तो जैसे ही इसमें 16 प्लेयर होंगे आपका आप मिशन में घुस जाएंगे। इसमें बहुत बहुत सारे ऐसे रेस उस आते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के बारे में बताऊँगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, आज तो मैंने आपको ऑनलाइन दिया और इसे डाउनलोड कैसे करना और इसमें व्हीकल के बारे में बताया। जब हम ऑनलाइन सीरीज में जाएंगे तब आपको और भी इसके बारे में मालूम चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।